हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड मोड के बारे में, जैसे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर क्या सर्च करना होगा, स्टैंडर्ड। ये देखिए स्टैंडर्ड मोड आ गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड मोड दिया जा रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखिए ऊपर की साइड स्क्रॉल नहीं होगा अब, और ये देखिए सब कुछ यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सारे ऐप्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपको, और गूगल भी आपको यहीं पर दिया जा रहा है। ये देखिए गूगल दिया जा रहा है। ऊपर की साइड अब आप स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे और आपको दूसरा मोड लगाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड मोड ये है, ड्राइवर मोड। अप्लाई करेंगे इसको, और ये है सिंपल मोड। सिंपल मोड में क्या होता है, बस ऐसे ही रहता है फ्रेंड्स। और ड्राइवर मोड को अप्लाई करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे और दोबारा से अप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।